भाजपा नेता प्रेमचंद कुशवाहा भी पॉक्सो एक्ट में आरोपी बनाए गए हैं। किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने पुलिस के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। केस में वादी के वकील सुरेश चंद सोनी एडवोकेट ने बताया कि आरोपी भाजपा नेता को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर जेल भेजा गया है। मैरिज होम में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में नया मोड़ आ गया है, जिसमें अभी तक मैरिज होम स्वामी भाजपा के पूर्व महामंत्री प्रेमचंद कुशवाहा को मामूली धारा में जेल भेजा गया था। विवेचना में सामने आए तथ्य और वादी पक्ष के वकील सुरेश चंद्र सोनी एडवोकेट की चिरल के चलते भाजपा नेता भी पॉक्टो एक्ट में पाबंद किया गया है। एडवोकेट सुरेश चंद्र सोनी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रिमांड के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद भाजपा नेताओं को 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। सर, ये जो वाकया गैंगरेप वाला है, आप उसमें काउंसिल है, आज क्या कार्रवाई अदालत में हुई है? ये प्रेमचंद कुशवाहा पुत्र सुखराम निवासी ताल फिरोज खां जी, इसके मामले में ये बताया जा रहा था कि ये मौके पर था और इसको पुलिस ने गिरफ्तार भी किया, लेकिन पुलिस ने पुराने एक्ट की धारा 151 में इसे गिरफ्तार किया था और उसके तहत इसको जेल में भेज दिया था और पुलिस विवेचना अपनी जारी कर रही थी। लेकिन जब न्याय की बात आई तो अदालत में आज मैंने बादनी श्रीमती मचला देवी की तरफ से एक सुप्रीम कोर्ट की नजीर है, जिसमें सकीली वसु बनाम उत्तर प्रदेश राज्य है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर विवेचना अधिकारी विवेचना नहीं कर ढंग से करते हैं तो उस विषय को लेकर के अदालत विवेचना अधिकारी को बुला सकती है। जब मैं बहस कर रहा था तो अदालत की माननीय जज साहब ने खुद कहा कि आज प्रेमचंद कुशवाहा को तलब किया है और विवेचक भी इसमें आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद विवेचक आ गए और उन्होंने धारा 64 सहपठित 64 BNS एक्ट, 16/17 BNS एक्ट और 3/4 पॉक्सो एक्ट में रिमांड लिए जाने का अनुरोध अदालत से किया। अदालत ने विवेचना अधिकारी के अनुरोध को स्वीकार किया और इन धाराओं में प्रेमचंद कुशवाहा का रिमांड स्वीकार करके उसे जेल भेज दिया। लेकिन जब बात ये आई कि इसमें SC ST एट्रोसिटीज एक्ट 1989 लगना चाहिए था, वो धारा अभी तक नहीं लगी है, तो इस पर विवेचक ने ये कहा था कि अनुसूचित जाति का जो प्रमाण पत्र है वो जिस दिन ये उपलब्ध करा देंगे उसी दिन उस धारा की बढ़ोतरी हम कर देंगे। ये ठीक, आपको बता दें कि यह घटना 21 अगस्त की है, जिसमें मैरिज होम में ले जाकर किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले को लेकर घटना के दिन से अब तक पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रेमचंद कुशवाहा को भी पॉक्सो एक्ट में आरोपी बनाया गया है। वादी पक्ष की माने तो इसमें SC ST एक्ट लागू किए जाने की भी मांग की जा रही है। DG महाराजा न्यूज के लिए दीपक राज की रिपोर्ट।